ठीक है। भाई साहब खिलाइए तो आप कपड़ा बना के साफ कर ली थोड़ा सा तो पहले से ही मसाला सा बना के रखते हैं आप लोग हैं यहाँ पे केवल हाफ फ्राई होता है। अच्छा, बाकी सब पहले तैयार होता है। पॉकेट में बनाइए एक प्लेट आप दूसरा दोनों का प्रोजेक्शन डाला भैया। हाँ भैया, 5 बजे के बाद एक नहीं मिला, कल आई गुजरे भैया। और भी बड़ा इनके जाओ का प्रयोग करते हैं आप लोग। चलिए भाई दोस्तों, देसी घी का प्रयोग करते हैं लोग। ये क्या चीज है आपने डाली? ये टमाटर की चाट है सर। अच्छा, ये टमाटर चाट में होता है पत्ते का दाना, गरम मसाला, टमाटर, अदरक, धनिया और शकरकंदा, नमकीन, धनिया, इसको आप मिक्स करके खाइए। हाँ तो नहीं, आपसे थोड़ा बात भी किया जाएगा ना। हाँ सर जी, आप थोड़ा हमारे कैमरे के सामने आइए और ये आप चाट लिए हैं चलती फिरती दुकानें पे, और ये लॉकडाउन की वजह से आदमी को ये करना पड़ जाए। आप ये चाट खा रहे हैं, ये आप हमको बता दें कैसा लगा आपको? तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देसी घी जो डाले हैं, हाँ, वो अपना ही रुतबा दिखा रहा है, साथ साथ इसमें जो मसाला वसाला डाले हैं उसका फ्लेवर ही कुछ अलग है। अलग है। तो आपको जैसे खाने में फ्लेवर इसका कैसा लग रहा है? चाट बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है, यानी आपका इसमें कोई काटने की चीज़ नहीं है? काटने की चीज़ नहीं है, करने का मतलब कि अपने हिसाब सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये चीज़ हो है कि देसी घी डालने की बात है, जहाँ देसी घी लोग नहीं डालते, रिफाइंड का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो देसी घी डालने से उसका जो है स्वाद बढ़ जा रहा है, और इससे क्या कि खाने से स्वाद भी मिल रहा है और जो नुकसान करने वाली चीज़ है वो कट गया है। नहीं, ठीक है सर। यह है कि सोनू जी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं और लॉकडाउन में जो भी कुछ कर दे रहे हैं, करना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है, तो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन यह है कि बहुत अग्रसर है, बहुत सही, बहुत अच्छे बना रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम सर? धर्मराज सिंह। ओके सर।